हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रिप्टो द वनशॉप ये सीरीज है क्रिप्टो न्यूज के बारे में इसमें हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम सी तो चलिए शुरू करते हैं और द न्यूज कमिंग इज दैट इज जमनाय पुल 282 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम जेनेसिस बिफोर इट्स बैंक्रप्सी डेंट वैंक्ले वॉस टू नो अबाउट द इमीडियंट क्राइसिस सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क दैट्स अ न्यूज कमिंग फ्रॉम सी एंड दिस न्यूज वॉर पब्लिड ऑन सेप्टेबर ट्वेंटी तो इसको हम डिकोड करेंगे लेयर बाय लेयर एंड कीवर्ड बाई कीवर्ड Right. So, चलिए शुरू करते हैं इसका सबसे पहले देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेंज से कर रिपोर्टेडली विद्रॉ 22 मिलियन डॉलर्स इन क्रिप्टो ठीक है so, Gemini तो जो जमीना एक्सचेंज है अभी सबसे पहले देखते हैं जेनेसिस क्या है जमेना क्या है तो जेनेसिस दिस इज द एक्सचेंज एंडक्ले वॉस क्या है उनका जो नेटवर्थ है billion के आसपास ईच ऑफ देम ठीक है हर एक पर्सन का जो नेटवर्थ है दैट इज 2.1 बिलियन डॉलर्स उनका जो सोर्स ऑफ वेल्थ है दैट इज क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स एंड जेमिना एक्सचेंज एंड ये जो एक्सचेंज फाउंड हुआ था 2014 में अभी जो रिपोर्ट आ रही है नन ऑफ द विड्रॉन मनी गॉट टू द जेमिना इज मिलियन फाउंडर्स द विक्ले वॉस ट्विंस तो जो भी अमाउंट विड्रॉ हुआ था इनके बैंक से पहले टू इंटी मिलियन डॉलर्स का उसमें रिपोर्ट में ये लिख के आ रहा है कि जो विदड्रॉ हुआ था अमाउंट जेनेसिस बैंक के ऊपर से वो अमाउंट कोई भी ट्विंस के पास गया ही नहीं अभी दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ये रिपोर्ट कहती है उसके अलावा जो कस्टमर्स है जो ट्विंस के कस्टमर्स है ऑफ जेनेसिस वो भी अनेबल है टू एक्सेस दर कैश दैट मींस जो 280 मिलियन डॉलर्स विद्रॉ हुए थे उनके कस्टमर्स भी अभी तक उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे उसके अलावा जो जेनेसिस एक्सचेंज है उनके ऊपर भी काफ़ी सारा नेशनल लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा है

एक और डेटा पॉइंट यह है कि जेमिनाई के कस्टमर्स का 900 मिलियन डॉलर्स का इशू था ठीक है उसके अलावा काफी सारे ले भी हुए थे एंड डिक्रीज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी भी हुई थी जेमिना एक्सचेंज के ऊपर उसके अलावा जेमिनाई एक्सचेंज ने अपने विड्रॉल्स को हॉल्ट भी कर दिया था एंड सैम ब्रैंक मैकमे फीड जो एफटीएक्स का कोलेपस हुआ था उसके बाद से इसका विड्रॉल भी हॉल्ट हो चुका था so, सो एफटीएक्स के कोलैप्स की वजह से इसके ऊपर भी काफी बड़ा प्रेशर आया था उसके अलावा यह भी प्रोग्राम में बोल रहे थे जेमिनाई एक्सचेंज बोल रहा था कि एट परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द डिजिटल करेंसी डिपॉजिट्स सो so, अभी भी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है हमें ये पता नहीं चला है कि जो 282 मिलियन डॉलर्स पुल किए थे एक्सचेंज के ऊपर से वो कहाँ है ऐसा बोला जा रहा है कि विंकल वॉस ट्विंस मिले हुए हो सकते हैं जेमिनी और जेनेसिस के साथ ठीक है दोनों एक्सचेंजेस मिले हुए हो सकते हैं लेकिन ट्वेंटी टू मिलियन डॉलर्स अभी भी कहाँ है सो दिस इज न्यूज इन ट्रांजेक्शन इसको अपडेट आना बाकी है मैं आपको अपडेट देता रूँगा जैसे अपडेट आएगा बट इन द मी वैल्यू कैन चेकआउट द आर्टिकल फ्रॉम सी मैं इसका लिंक आपको दे देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद रहेगा अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में